सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लाइव जॉब कैसे अप्लाई करते हैं HSBC में, ये आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा HSBC.com/career में। जैसे ही साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ कुकीज सबको दिखाई दे रहा है, ये आपको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लोकेशन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैरियर इन इंडिया, क्योंकि HSBC है जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है ना। तो करीब 38,000 पीपल जो है इंडिया में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें जॉब सर्च करने के लिए सबसे नीचे आना पड़ेगा और नीचे जाएंगे, जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंडिया। इंडिया के अलावा भी यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ब्रांचेस है वो भी यहाँ पे आएगा। इंडिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब कैटेगरी, आपको कौन से कैटेगरी में चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, एसेट्स में, ऑडिट में, ब्रांच एंड रिटेल बैंकिंग में, कॉल सेंटर में, किस में चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है यदि आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट व्यू जॉब्स में आप क्लिक करेंगे तो जितने भी जॉब्स अवेलेबल है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक पेज शो ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप प्रोसीड करके क्लिक करना होगा। तो देखिए जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे जो है वॉल जॉब्स यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें देखिए इसे यहाँ पे जॉब नंबर दिया हुआ है, जॉब नंबर तो हम अगर वहाँ पे जॉब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो नंबर आता है, तो हमने वॉल जॉब सिलेक्ट किया इसलिए नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं, लाइक आपको फ़ोन बैंकिंग चाहिए या आपका कुछ और रिटेल बैंकिंग चाहिए, ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन से एरिया जो है यहाँ पे कॉल सेंटर जो भी है, देखिए अब ये मेंशन कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं तो सीधे नीचे आ जाइए। यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ऐड लोकेशन बता रहे हैं। जैसे आप ऐड लोकेशन में आएंगे तो यहाँ पे पोस्टिंग डेट है, ये कोई मेंशन नहीं कर, आप डायरेक्टली नॉट स्पेसिफाइड लगाइए। उसके बाद कौन सा शेड्यूल, फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम। उसके बाद शिफ्ट कौन सा, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट कौन सा चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉई स्टेटस क्या है, रेगुलर है या फिक्स टाइम है क्या है, ठीक है। एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जॉब सर्च करके है ये आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं जॉब सर्च, तो जो भी जॉब्स अवेलेबल है हमारे सामने वो आ जाएगा अभी। तो देखिए हमारे सामने जो है ये जॉब्स अप्लाई आ चुका है हमारे सामने। तो इसमें आप कौन कौन से जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक जॉब को कोई एक डेमो के तौर पे अप्लाई करना चाहूँगा, तो यहाँ पे कंसल्टेंट जो है स्पेशलिस्ट है, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐड टू माय बास्केट भी कर सकते हैं, जैसे ऐड टू कार्ड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए हमारे पास लॉगिन आईडी डिटेल होना चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते HSBC में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन पेज अभी आप हमारे सामने जो है ओपन हो जाएगा। तो सर लॉगिन पेज जो ओपन हो चुका है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे ऐसे नए आए हैं तो हम डायरेक्टली नीचे आपको यहाँ पे न्यू यूज़र करके आएगा, तो न्यू यूज़र में जो है क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, ये सब पूरे फिल करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे एक नेम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं हमारा यूज़र नेम गौतम राय टू, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट। तो सर जितने भी ऑनलाइन आप अप्लाई जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो है सभी जगह पे सेम पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको बाद में ये याद रह जाएगा कौन से पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी मेंशन कर लेते हैं कोई भी, @yahoo.in, ये हमने ईमेल आईडी मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर से ईमेल आईडी पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हम मेंशन कर लेते हैं @yahoo.in, ठीक है, हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पासवर्ड पूछ रहा है ये इट मस्ट कंटेन बिटवीन 7 to 12 कैरेक्टर होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और अल्फाबेट या न्यूमेरिक कैरेक्टर भी इसका अंदर होना चाहिए, तब जगह जो है ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। तो हमने ऐसा नहीं किया है तो हमने एक यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं। सबसे पहले नाम यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं
अगर यूज़र नेम लगाना चाहेंगे तो यूज़र नेम भी यहाँ पे मैंडेटरी है, जो यहाँ पे शो कर रहा है जो स्टार मार्क है तो ये मैंडेटरी है। तो या और यहाँ पे एक पासवर्ड लगाने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है और देखते हैं कि ये पासवर्ड अभी लेता है या नहीं। ओके, अभी रजिस्टर में क्लिक करते हैं। दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, अभी देखिए ये जो ओपन हो चुका है, लॉगिन हमने कर दिया है। तो टोटल हमें जो है 8 स्टेप जो है पूरा करना है। पहले तो HSBC के एलिजिबिलिटी क्वेश्चन क्या है वो है पूछ जाएंगे, उसके बाद रेज्यूमे अपलोड करना है, अटैचमेंट करना है। यदि आप पूरे लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाइव डेमो देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा HSBC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हम आपके सामने है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे टू हेल्प द बेटर नो एंड फादर स्टेट क्वालिफिकेशन और पोजीशन, कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आर यू परसुइंग एनी फुल टाइम कोर्स, तो आपको यहाँ पे यस करेंगे, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सिटी स्कूल। यदि आप कुछ डिग्री कंप्लीट किया है तो यहाँ पे मेंशन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन HSBC सबसे टू रेगुलर, तो ये पूरा आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। रेगुलर इज द कंट्रीज वी ऑपरेट, इसके बारे में कुछ है तो आई अंडरस्टैंड करके कीजिए। डू यू पोसेस अ पैन कार्ड, है तो पैन कार्ड एंटर कीजिए, नहीं है तो नहीं, यहाँ पे सबमिट कीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट सेव एन कंट्री में क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव एन कंट्री में क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसके सेकंड ऑप्शन में है आपको रेज्यूमे जो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है CV एंड रेज्यूमे। CV का मतलब दोस्तों यदि आप फ्रेशर है तो उसको CV कहते हैं, करिकुलम वीटा, और रेज्यूमे जो है यदि आप एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा तो उसको रेज्यूमे कहते हैं। यदि आप इसको अपलोड करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इफ़ यू डू नॉट वांट टू अपलोड योर CV यू नीड टू फिल आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यदि आपको CV अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो और यदि आपके पास CV है तो डायरेक्ट आई वांट टू अपलोड CV करके यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो करिकुलम वीटा है CV है वो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ कर, जैसे चूज़ करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप से जो है आप यहाँ पे ओपन करके अपना रेज्यूमे कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल पे रेज्यूमे है तो रेज्यूमे उसको सेव करके रखिए, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बस दोस्तों इसमें इतना ही है, बाकी उसका अटैचिंग योर इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी रेज्यूमे में जितने भी यस क्वालिफिकेशन दिया है वो पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस यदि है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर, फिर उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यदि आपको पूरा वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।